नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ, मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे माउथ कैंसर के बारे में। हम ये जानेंगे कि किन कारणों की वजह से माउथ कैंसर होता है और साथ ही इससे कैसे बचा जा सकता है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गीता शर्मा। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी डेंटिस्ट है और साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर है पटना डेंटल कॉलेज में। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, आपसे जानना चाहेंगे माउथ कैंसर के बारे में। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो माउथ कैंसर से कहीं ना कहीं ग्रसित हो रहे हैं और इसका जो मेन कारण है वो ये समझ नहीं पाते क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना है, ये सब वो जान नहीं पाते। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी चीज़ विस्तार में। माउथ कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर विच इज़ सीन नाउ डेज, और आजकल देखा जा रहा है कि इसकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये तंबाकू खाए सेवन के कारण होता है। पेशेंट अगर तंबाकू किसी फॉर्म में खा रहे हैं, आइदर सिगरेट स्मोकिंग में और पान गुटखा के फॉर्म में ले रहे हैं या अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ द सांप टूथ की वजह से होता है। तो जैसे मैंने बताया कि टोबैको तो पैकेट पे भी लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन लोग इसकी सिवियरिटी को नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत ध्यान देने की बात है कि टोबैको का यूज़ कम से कम करें, मैं तो कहूँगी बेशक ना करें, और जो लोग यूज़ करते हैं वो इसको कम करने की कोशिश करें। दूसरा कारण जो मैं बताऊँगी कि इस जोन में ज़्यादा दिखता है वो नेग्लिजेंस ऑफ ओरल हेल्थ। अगर किसी तरह का इरिटेशन है ओरल कैविटी में, अगर ओरल कैविटी में कोई सांप टूथ है या कोई कीड़ा लगा हुआ है और उसको आप समय पे आप फिलिंग नहीं कराते हो, तो वही सांप एज जो है वो एक क्रॉनिक इरिटेंट का काम करता है और वो अल्सर का फॉर्मेशन दे देता है। ये अल्सर ही बाद में ओरल कैंसर का फॉर्म ले लेता है। तो ओरल कैंसर माउथ के अंदर दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आइदर इट कैन अपीयर एज अ प्रोलिफरेटिंग ग्रोथ, मुंह के अंदर ग्रोथ के फॉर्म में रहेगा, और पेशेंट को कुछ खाने में डिग्लूटिनेशन मतलब चबाने में दिक्कत होगी या फिर स्पीकिंग बोलने में दिक्कत महसूस हो सकती है, हमेशा थोड़ा सा इरिटेशन महसूस होगा या फिर अल्सर के फॉर्म में माउथ में प्रेजेंट होता है। मरीज को जब भी ये लगे कि मुंह में कोई अल्सर हो रहा है या फिर कोई ग्रोथ है या वाइट कलर का कोई लाइन हो, चाहे वो गाल के अंदर बकल म्यूकोसा में या जीभ में या कहीं पे भी ओरल कैविटी में दिखे, उसे डेंटिस्ट से श्योर कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज आइदर इट कैन बी कैंसर और इट कैन बी द प्री मैलिग्नेंट लीजन विच इज़ अगेन वेरी इंडिकेटिव ऑफ कैंसर। सो इन हालात में मरीज को जरूर डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे आपने तंबाकू ये सब चीज़ों की बात की है, लोगों को पता होता है कि इन सब चीज़ों से कैंसर होता है लेकिन फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं, जो कहीं ना कहीं एक आगे जाके कैंसर का रूप ले लेता है। और भी कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि इसके हम शुरुआती लक्षण के बारे में बात करें, कई बार हम देखते हैं कि जो टबैको ये सब का सेवन करने से मुँह छिल जाता है या फिर बहुत सारे खाने में दिक्कत होता है, लेकिन इन सब लक्षणों को लोग इग्नोर करते हैं। तो क्या ये सारे जो लक्षण हैं ये कैंसर का सिम्टम्स हो सकते हैं? बिल्कुल, कैंसर के सिम्टम है ल्यूकोप्लेकिया, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि वाइट कलर का पैच अगर बकल म्यूकोसा में है, दैट इज़ ल्यूकोप्लेकिया। लाइकन प्लानस बहुत कॉमन है लेडीज़ में आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स। उसमें क्या है कि दोनों गालों पे क्रिस क्रॉस लाइन जैसा लेस लाइक पैटर्न होता है वो प्रेजेंट है, वो या फिर कभी रेड कलर का भी पैच दिख रहा है माउथ में विच इज़ नोन एज एरिथ्रोप्लेकिया। दिस ऑल कैन लीड टू ओरल कैंसर। चौथा कारण ये भी है कि अगर OSMF एक अगेन प्री मैलिग्नेंट डिजीज़ है जिसमें बर्निंग सेंसेशन होता है माउथ में, अगर बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम है, मुंह खुलना कम हो जाता है, दीज आर द इनिशियल साइन एंड सिम्टम ऑफ ओरल कैंसर। तो पेशेंट को उसी स्टेज पे अवेयर हो जाना चाहिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की आप ये समझ पाए होंगे कि माउथ कैंसर होने के जो शुरुआती लक्षण है वो क्या कुछ है और किन चीज़ों से खास दूर रहने की जरूरत है।